হাইলাকান্দির খেতিয়কসকলৰ বাবে এক নতুন সুখবৰ। দীৰ্ঘ ডেৰ দশকৰ অন্তত ভাৰতীয় কৃষি গৱেষণা পৰিষদৰ কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্ৰ হাইলাকান্দিৰ কাৰ্যালয় এটা স্থায়ী ভৱনলৈ স্থানান্তৰিত হৈছে। হাইলাকান্দি উপকণ্ঠৰ শিৰিষপুৰ অঞ্চলৰ চান্দপুৰত সুন্দৰ ভূমিত কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্ৰৰ প্ৰশাসনিক ভৱন নিৰ্মাণ কৰা হৈছে। ফলস্বৰূপে ভাৰতীয় কৃষি গৱেষণা পৰিষদৰ কৃষি বিজ্ঞান কেন্দ্ৰৰ নতুন ভৱন নিৰ্মাণৰ পিছত কৃষকসকলৰ বাবে এক নতুন সুযোগ মুকলি হৈছে। বৰাক উপত্যকাত শাক পাচলিৰ পৰা আৰম্ভ কৰি চাহিদাপূৰ্ণ ফল মূলৰ খেতিত অধিক গুৰুত্ব দিয়াৰ উপৰিও বিভিন্ন সময়ত কৰ্মশালা আয়োজন কৰাৰ পৰিকল্পনা ইতিমধ্যেই আৰম্ভ হৈছে। ভাৰতীয় কৃষি গৱেষণা পৰিষদৰ NRMৰ উপসঞ্চালক প্ৰধান ডঃ এছ কে চৌধুৰীয়ে দিল্লীৰ পৰা আহি নতুন প্ৰশাসনিক ভৱনটো উদ্বোধন কৰে। উদ্বোধনী উপলক্ষে নতুন প্ৰশাসনিক ভৱন চৌহদত কৃষি মেলা আৰু আলোচনা সভাও অনুষ্ঠিত হয়। হাইলাকান্দি জিলা ৰাজ্যখনৰ এক সম্ভাৱনাময় জিলা হোৱাৰ বাবেই কৃষি ক্ষেত্ৰত উন্নয়নৰ জৰিয়তে এই জিলাখনক বহুখিনি অগ্ৰগতিৰ দিশলৈ লৈ যোৱাটো সম্ভৱ। হাইলাকান্দি কৃষি ক্ষেত্ৰত যথেষ্ট সম্ভাৱনা থকা এখন জিলা। যিহেতু এতিয়ালৈকে কোনো স্থায়ী ভৱন নাছিল, গতিকে কৃষিৰ লগত জড়িত বিভিন্ন পৰিকল্পনাৰ কথা ভাবিবলগীয়া হৈছিল, কাৰণ আগৰ কাৰ্যালয়ত ইমান পৰিসৰো নাছিল আৰু নাছিল কোনো ছেটআপ। এতিয়া এই স্থায়ী কাৰ্যালয়ত সকলো ধৰণৰ সুবিধা প্ৰদান কৰা সম্ভৱ হ'ব, লগতে সময়ে সময়ে কৃষি বিষয়ক কৰ্মশালাও অনুষ্ঠিত হ'ব। आयोजित किया गया, उसमें सम्मिलित होकर के मैं बहुत ही गौरवान्वित अनुभव कर रहा हूँ। वो खास तौर से इसलिए कि हाइलाकान्दी बड़े दिनों से सुन रहा था और ICR हेडक्वार्टर से दूर होने के कारण आने वाले लोग बहुत कम होते हैं, लेकिन यहाँ आने के बाद जो उत्साह मैंने किसानों का देखा, इतने विषम परिस्थितियों में इतना इस समय इतना खराब सीजन है, इस समय इतना पसीना आ रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी बड़ी संख्या में यहाँ पर किसान भाइयों को और खास तौर से किसान बहनों को आकर के इकट्ठा होकर के देख बहुत खुशी हुई। और जो लोग इकट्ठा हुए थे उनमें खास तौर से हमारे यंग बच्चे, यंग किसान और यंग लड़कियाँ जो खेती बाड़ी में लगी हुई है, वो लोग बड़ी संख्या में थे, तो इस बात से बड़ी खुशी होती है। और साथ ही यहाँ की जो समस्याएँ खेती से जुड़ी हुई, उन समस्याओं को समझने का, सुनने का एक अवसर भी मिला और बड़ा मन करता है कि इन किसानों के लिए कुछ किया जाए। है हालांकि कृषि विज्ञान केंद्र यहाँ पे 2010 से काम कर रहा है, लेकिन फिर भी आप जैसा जानते हैं कि अच्छा काम करने के लिए एक ऑफिस होना चाहिए, लेबोरेटरी होना चाहिए, बैठने की जगह होना चाहिए, ट्रेनिंग देने के लिए एक हॉल होना चाहिए। ये सारी सुविधाएं न होने के कारण काम तो हम कर रहे थे लेकिन बहुत बढ़िया काम नहीं हो पा रहा था। तो आज इस बिल्डिंग का उद्घाटन हुआ और इस बिल्डिंग को इस जिले के लोगों को समर्पित करते हुए, किसानों को समर्पित करते हुए बहुत खुशी है। मैंने अभी अपने व्याख्यान में मैंने कहा था, हाइलाकान्दी की जो विशेषताएं हैं, यहाँ का जो फार्मिंग का सिस्टम था, उस फार्मिंग सिस्टम को समझ करके फिर से हाइलाकान्दी का ओरिजिनल फार्मिंग सिस्टम कायम करना, ये एक बड़ी चुनौती है। काम बहुत कठिन है लेकिन धीरे 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 इसको करना होगा। जो नेचर से जुड़ी हुई चीजें हाइलाकान्दी में पहले से उपलब्ध थी, अभी भी है, उसको बरकरार रखना, उसका कंजर्वेशन करना, साथ ही कुछ खूबियां, क्योंकि इस डिस्ट्रिक्ट को एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट में रखा गया है, वन डिस्ट्रिक्ट वन कमोडिटी के प्रोजेक्ट में भी इस डिस्ट्रिक्ट को रखा गया है, ICR का भी इसको एक विशेष दर्जा प्राप्त है हाइलाकान्दी को, इसके मद्देनजर यहाँ की जो खास खास चीजें होगी उसमें वैल्यू एडिशन करके, उसमें क्वालिटी एनहांसमेंट करके देश के सामने प्रस्तुत करने का प्रयास करेंगे। साथ ही यहाँ की डेलिकेसीज है, यहाँ की फिश है, खाने की और सब सामग्रियां हैं, यहाँ पे ऑर्गेनिक वेजिटेबल्स और ऑर्गेनिक हॉर्टिकल्चर, फ्रूट्स, असम लेमन, इस तरह की चीजें जो यहाँ की यूनिक है उसको बढ़ावा देने का प्रयास किया जाएगा। उसमें वैल्यू एडिशन करके सेकेंडरी एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट के रूप में प्रोसेसिंग, फूड प्रोसेसिंग करके कैसे आगे ला सकते हैं और किसानों को कैसे अधिक से अधिक इनकम उससे मिल सकती है, इसके लिए भी एक कृषि विज्ञान केंद्र साथ में मिलकर के, हमारे जो राज्य के अधिकारी है, राज्य के अधिकारियों के साथ में मिलकर के, चाहे वो कृषि विभाग हो, चाहे हॉर्टिकल्चर विभाग हो, चाहे एनिमल हस्बेंड्री का विभाग हो, चाहे वो फिशरीज का विभाग हो, चाहे वो सेरिकल्चर का विभाग हो, सबके साथ मिलकर के, कंधे से कंधा मिला करके, एकजुट होकर के हम आगे जाएंगे और इस जिले को, इस जिले के किसानों को आगे ले जाने का प्रयास करेंगे।